हेलो एवरीवन वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एन ने रिलीज़ करी है एन का फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी इंडिया की लीडिंग फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और एन ने रिसेंटली बहुत सारे एम भी साइन करे हैं नेशनल इम्पोर्टेंस की यूनिवर्सिटी है तो कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी रन हो रहे हैं या होने वाले हैं एन में तो उसी से रिगार्डिंग आपको जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलती है जो कि एक टेम्प्ररी बेस पे एक आप ये बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है टेम्प्ररी है बट ये आपके सीवी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मिनिमम एक साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या फिर डिपेंड करता है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो कब तक चल रहा है कब तक एक्सटेंड हो रहा है उसके बेसिस पे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर दिया जाएगा या एक्सटेंड कर दिया जाएगा आइडियली ऐसा ही होता है और ये जो प्रोजेक्ट है ये रिलेटेड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि जीएसटी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है तो इसका शॉर्ट में या एब्रीवेटेड फॉर्म है डी डबल जी आई डी जी जी आई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस तो इससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट है नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी लीडिंग यूनिवर्सिटी इंडिया की इसी वजह से एन एफ कर रही है डी आई से टू प्रोजेक्ट और उसके लिए ही जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है एक एक करके देखेंगे कि कितनी सैलरी मिलने वाली है कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए एंड लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप फॉरेंसिक के फील्ड में काम करना चाह रहे थे तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती अगर आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप ज़रूर से अप्लाई करें इस अपॉर्चुनिटी के लिए सो so, सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सो नंबर ऑफ़ पोस्ट है थ्री पोस्ट गांधीनगर दिल्ली और चेन्नई ये इनके लोकेशंस है पर मंथ कंसोलिडेटेड जो रेन्यूमरेशन या पर सैलरी एक तरीके से बोले वो सिक्सटी थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ आपको मिलेगी इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट है वो भी तीन पोस्ट अवेलेबल है गांधीनगर दिल्ली और चेन्नई में ही रिस्पेक्टिवली ओके और इसकी पर मंथ सैलरी होगी फोटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो एक्सपीरियंस है जो अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो हम अभी जस्ट देखने वाले हैं लास्ट डेट होने वाली है टेंथ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मतलब अगले महीने की दस तारीख इसकी आखिरी डेट uh, है लास्ट डेट है सो यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिफोर टेंथ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसका जो अप्लाई करने का लिंक है आपको एन एफ एस यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा मैंने दूसरे टैब में एन एफ एस यू का करियर पेज ओपन करके रखा है जैसे ही आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एन एफ एस यू के ऑफिशियल वेबसाइट इनका करियर पेज जैसे आप करियर पेज पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलती है यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर व वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर एन एफ एस यू डी जी जी आई प्रोजेक्ट तो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि एन एफ एस यू ई डी प्रोजेक्ट में अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट की तरह काम करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो जैसे आप एन एफ एस यू की वेबसाइट पर जाओगे करियर पेज पर जाओगे आपको अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी ओके वापस आते हैं अपनी पी डी एफ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पोजीशन so, का नाम क्या है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं एज आपकी थर्टी फाइव ईयरस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थर्टी फाइव ईयर्स इज़ द लास्ट एंड मैक्सिमम एज फॉर दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन में और इसके इक्विवेलेंट एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एक रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है तो ये तो बात हुई एज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की तो तीन साल का एक्सपीरियंस एनालिटिकल मेथड्स और रिसर्च के फील्ड में होना चाहिए और रिसर्च फील्ड किसका होना चाहिए डिजिटल साइबर कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन टेरिटोरीज और अदर ऑटोनोमस इज़ रेकग्नाइज विच कैन बी ऑर रिकोगगनाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है तो ये लोकेशन पर आपके तीन साल का एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही इसके अलावा डिज़ाइरेबल और क्या है अगर आप फैक्ट प्लस क्वालिफाइड हैं तो आपको प्रेफरेंस तो मिलेगी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आपको प्रेफरेंश प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपकी फॉरेंसिक रिपोर्टिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपको लोकल लैंग्वेज uh, का नॉलेज है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी अब बात मैं करूँ लोकल लैंग्वेज की तो हमेशा देखो यहाँ पे चेन्नई भी मैंशन है विच इज नॉन हिंदी स्पीकिंग प्लेस यू कैन से है ना डेली गांधीनगर में भी गांधीनगर में भी वी हैव गुजराती बट स्टिल जो मेजर पॉपुलेशन है वो हिंदी समझती और बोलती है है ना बट चेन्नई जो है हिंदी नहीं समझते बोलते भी नहीं है वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस ज़्यादा प्रविलेंट है इसके अलावा इंग्लिश तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ही ठीक है जैसे चेन्नई प्लेस है या गांधीनगर है तो यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल गुजराती या फिर चेन्नई में जो भी लैंग्वेज uh, डोमिनेट करती है आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट इसी वजह से मैंने बोला चेन्नई की डोमिनेटिंग लोकल लैंग्वेज तो अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज आती है वो पता है तो आपके पास प्लस पॉइंट ज़रूर रहेगा अब हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज चाहिए थर्टी ईयर्स तीस साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इसके इकोवलेंट कोई भी डिग्री पा आपके पास है विद गुड रिकॉर्ड्स फ्रामोगनाइज यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं या फिर आपके पास बी की डिग्री है बी की डिग्री है किस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर आपने एम एस करी हुई है अगर आपके पास एम सी की डिग्री है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी विथ थ्री ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ वर्क एक्सपीरियंस एनालिटिकल मेथोड में एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है मतलब चल जाएगा रिसर्च इन डिजिटल डाटा फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी ऑटोनॉमस रिकगनीशंस रिकगनाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन किसी भी प्लेस पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए मतलब उसकी वजह से आप एलिजिबल रहेंगे इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए इसके अलावा डिजायरेबल क्या है आपके पास फैक्ट अगर क्वालिफाइड फैक्ट का सर्टिफिकेट हैस आपको दी जाएगी गुड कम्युनिकेशन स्किल फॉरेंसिक रिपोर्टिंग स्किल्स जनरल आई मीन लोकल लैंग्वेज इज अगेन शनड हीयर तो ये सारी चीज़ें आपके डिजायरेबल uh... क्वालिफिकेशनस या डिजायरेबल पॉइंट्स रहने वाले हैं एडिशनल इन्फॉमेशन आप एक बार गो थ्रू कर लेना ये पी आपको एन एफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये शेयर कर दूंगी इसके अलावा आपका जो लिंक है वो लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप ये पी भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप एन एफ एस यू के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन की लिंक ले सकते हैं या फिर मैं ग्रुप में भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी अगर आपने अभी तक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है सो so उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक यू सो मच एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप इस वीडियो से आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हुई हो अगर हेल्प हुई है तो आप लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग सके थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे हैड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट video till then take care bye bye